अभी फिर से हम लोग घर आने के बाद, अभी बज रहा है 6:32 और अभी हम लोग फिर से निकल रहे हैं अंजना बीच के लिए, ठीक है। तो अभी फिर से एक नया गेटअप, इनका भी एक नया गेटअप, ठीक है। हाँ सो अभी क्या हुआ? और रेडी होना है, एक घंटा तो रेडी होने में लग गया, 5 बजे निकलना था, 6 बजे। सो अभी हम लोग फिर से निकल रहे हैं अंजना बीच के लिए, ठीक है। अभी फिलहाल देख सकते हैं अभी रात नहीं हुआ है अभी, मतलब यहाँ तो ऐसे भी अब बहुत कोई बोला कि बागा बीच गया, सब जगह गया, अभी और भी बहुत सारा बीच है मेरे को पता है, लेकिन अंजना बीच हमारे यहाँ रिसोर्ट से, जो होटल से जो है थोड़ा सामने पड़ता है, करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर में आ जाता है। तो जाता हूँ एक राउंड घूम करके, वहाँ से भी आता हूँ, देखता हूँ वहाँ पे क्या क्या मिलता है, ठीक है। तो ब्लॉग में बने रहिए, ठीक है। अभी जाते हैं फिर से, बाइक उठाते हैं और फिर चलते हैं। अब बताइए यहाँ पे तेल 120 रुपये है, क्योंकि सामने कहीं पेट्रोल पंप नहीं है और लोकल से लोग हैं, तो 120-130 रुपये में वो लोग मन मर्जी रेट में तेल बेच रहे हैं, है ना। चलिए फिर चलते हैं, चले ना, और रेडी होना है, ठीक ना। ठीक से हम लोग अपने स्कूटी पे, मतलब रेंट वाले स्कूटी पे, सो देख रहे हैं अभी भी मौसम मस्त किया हुआ है। चलिए बैठिए फटाफट से, और हेलमेट जरूरी है यहाँ पर, तो पहनिए, जरूरी है दीजिएगा तब ना पहनेंगे। चलिए फटाफट से, रुकिए रुकिए, चलिए ठीक है, हेलमेट पहन के सूट कर, अच्छा नहीं यार हेलमेट पहन के, लेकिन आप खाली अच्छे हैं। बाप रे बाप, बादल देख रहे हैं ऊपर से, इसका लहर देखिए। अंजना बीच जो कि बागा बीच, और ये भी मस्त लग रहा है, अंजना बीच भी काफी खतरनाक लग रहा है, मस्त लग रहा है, ऊपर से ये बादल बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। ये बागा बीच जितना तो नहीं है, बट हाँ ये है। कॉपी राइट भी आ सकता है, बेबी बेबी। ये अंजना बीच, शाम का बज रहा है 7:26, और बागा बीच जैसा मज़ा तो मतलब उतना अच्छा ये नहीं बोल सकते कि इधर इंफ्रास्ट्रक्चर, इधर उधर बहुत सारे होटल पब ये सब बना हुआ है, बट लिटरली यहाँ का जो वेव है ना वो काफ़ी शानदार है, मस्त वाला वेव है एकदम। चारों तरफ खाली पानी पानी, ऊपर से बादल क्या हुआ है तो हवा दे रहा है और वेव बन रहा है, वाओ।
आ गए अंजुना बीच से और कार्ड ही लेना भूल गया था अभी, ये मेरे को याद दिलाया। अरे रूम का कार्ड लिए? हाँ जी, आपको याद था? कौन सा फ्लोर है ये भी बता दीजिए। वाह वाह कैसा लगा अंजुना बीच? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आगे कौन इंतजार कर रहा है? रूम सर्विस खुल जा सही से। यार यहाँ पे मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूँ, ठीक है, बट एक चीज़ से मैं हमेशा याद रहता हूँ, ये जो है ना हम लोग का रूम के बाहर ही पड़ा हो रहा था, ये यही सब। नहीं तो इधर भी वैसे ही है, इधर भी वैसे ही। 218 ये खुला है। अंधेरा ही अंधेरा। कार्ड डालूंगा, लाइट आ गया। देख रहे हैं छितिर बितिर करके हम लोग गए हुए सारा सामान। सो फाइनली वी आर बैक, और कल हम लोग को जाना है मॉर्निंग में स्पोर्ट्स राइड के लिए, तो अभी तो फिलहाल वापस आ गया हूँ। कल जाना है अंजुना, नहीं कल पता नहीं, ऐसे टूरिस्ट का किया हुआ है, देखते हैं कौन कौन सा स्पोर्ट्स लेके जाएगा कल। तो कल फिर यहाँ से कंटिन्यू होगा, अभी फिलहाल खाना वाना खाया जाएगा, ठीक है। और अगर ब्लॉग लंबा हो जाएगा तो इसको मैं पार्ट में करूँगा, अगर नहीं लंबा होगा, मेरे हिसाब से लंबा नहीं होना चाहिए, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है, तो कल स्पोर्ट्स वाला भी इसमें हो ही जाएगा। तो फिर चलिए, अभी तो खाने का टाइम हो गया है।